कांग्रेस ने फ्रांस से 126 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की बजाय सिर्फ 36 विमान खरीदने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा के लिए विमानों की जरूरत बताई थी, लेकिन सरकार ने उसे दरकिनार करते हुए इस डील से बचे पैसे को मेक इन इंडिया में लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कहा कि फ्रांस से लिए जा रहे ये विमान हल्के किस्म के हैं और फ्रांस से इन्हें देश में ही बनाने के बारे में कोई बात नहीं की गई है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बीते एक महीने में दिए 5 बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें इस रक्षा सौदे के बारे में अलग अलग बातें कहने का दावा किया गया है। यूपीए सरकार के दौर में फ्रांस से 126 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ था, जिसे एनडीए सरकार ने रद्द कर दिया है। How do you not need when your own calculations, your own air force has repeatedly talked of the need? It can only be at the cost of national security. So, if they will be manufactured, then these statements are false. If they will not be manufactured, there is no make in India, there is no TOT, there is no employment, there is no export.